अशोकनगर जिले के चंदेरी थाना क्षेत्र में शनिवार को सुबह करीब 11 बजे के लगभग अज्ञात कारणों के चलते एक 32 साल की विवाहिता ने लगाई फांसी। परिजनों ने जैसे ही इस घटना की सूचना थाना प्रभारी उमेश उपाध्याय को सूचित किया, सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जहां मौके पर पंचनामा बनाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल लाया गया, जहां पर पोस्टमार्टम करने के पश्चात चिकित्सकों ने शव को परिजनों को सौंप दिया था। साथ ही उक्त मामले में चंदेरी थाना पुलिस ने धारा 174 सीआरपीसी के तहत मर्ग कायम कर मामले को विवेचना में ले लिया है। पुलिस ने बताया कि मामले के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? कन्हैयालाल। कन्हैयालाल, ये जो खत्म हुई है ये कौन है आपकी? मेरी पत्नी है। क्या नाम है इनका? कविता। कविता कोहली। कोहली, कितनी उम्र होगी इनकी? लगभग इनकी 32। 32 साल होगी। क्या कर रहा था? काम कोई नहीं, इनकी थोड़ा दिमाग के कमजोर था इनका। मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। अच्छा, तो कितने बजे लगाई थी? मुझे तो पता नहीं है, ये कह रहे हैं कि 11 के बीच ऐसी। क्या लगाई थी? फांसी लगाई थी। अच्छा, कितने 11 बजे के लगभग? सब 11 बजे की बता रहे सब लोग। हम तो दूसरे मोहल्ले में रहते हैं, दूसरे मोहल्ले में पता पड़ा जैसे पहुंचे। अच्छा। लटकी थी दुपट्टे से, फांसी लगा। अच्छा, मतलब दुपट्टा से लगा ली थी। 32 साल उम्र है इनकी लगभग। ठीक, दिमाग ठीक नहीं है ये। अब हम बहुत दूर रहते हैं, जानकारी हम तो जाए तो साथ में। अच्छा,